हेलो फ्रेंड, मैं अंकित और आज हम सीखेंगे बिना नाम का फोल्डर बनाने। तो आइए सीखते हैं। बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसका नाम जहाँ मैं हटा करके इसे इंटर करता हूँ तो आप देखिए नाम नहीं हट रहा है। नाम हटाने के लिए मुझे इसे रीनेम करना होगा। फिर से मैं यहाँ से इसे रीनेम कर लेता हूँ। नाम हटा करके अल्ट बटन प्रेस करना है। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको न्यूमरिक की से 0160 प्रेस करना है और अल्ट बटन छोड़ देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिना नाम का फोल्डर मेरा तैयार हो गया है। तो आप ऐसे ही बिना नाम का फोल्डर बना सकते हैं। तो थैंक यू।